सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां सीएम योगी बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कर समारोह में शामिल होंगे। यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 795 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके अलावा आज योगी कैबिनेट की बैठक भी होगी। वहीं शाम 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। वहीं इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहद नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम योगी चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र और आज वही कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 795 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज बृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। वहीं पर आज कैबिनेट की बैठक भी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, जहां सीएम योगी बृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल भी होंगे। वहीं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 795 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके अलावा आज योगी कैबिनेट की बैठक भी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आज 795 अभ्यर्थियों को जो है सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदी, आज मुख्यमंत्री का लोक भवन में 11 बजे एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में वो कई नवनिर्वाचित जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कुछ 795 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और उनको जो है वो चुना गया है, चयन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। अब उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र के बाद वो अपने अपने कार्यभार को संभालेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो शाम 4 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी, जिसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से बात की जाए, शिक्षा विभाग की बात की जाए, तो उसमें भर्तियों पर एक बड़ी मुहर भी लग सकती है। और ये भर्ती जो है सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस भर्ती को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। इसके पहले की सरकारों में भर्तियों पर तमाम तरीके की आपत्ति भी उठी थी और लगातार विपक्षी पार्टियां भी सरकार की रोजगार पर सवाल उठाते रहे हैं, नियुक्तियों पर सवाल उठाते रहे हैं, भर्तियों पर सवाल उठाते रहे हैं। कई बार पेपर लीक के ऐसे मामले भी आए हैं, जिसको पारदर्शी से बरतने के लिए आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और पारदर्शी तरीके से इसमें जो नियुक्तियां हैं वो कराने पे विचार कर सकती है। शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस कैबिनेट की मीटिंग में तमाम बड़े पदाधिकारी सरकार के रहेंगे और कई अहम मुद्दों पर बैठक के बाद चर्चा के बाद मुहर भी लग सकती है। नंदनी जी, बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, तो वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं? देखिए, शिक्षा विभाग में कई ऐसे प्रस्ताव हैं, जैसे शिक्षा विभाग में नियुक्ति करना, बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति करना, इन सब पे जो है वो कैबिनेट बैठक के बाद मुहर लग सकती है। और इन जो नियुक्तियों की बात है, सरकार पूरी पारदर्शिता से इसको कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे जैसे आम लोकसभा चुनाव आने वाला है तो सरकार की जो नियुक्तियों का पिटारा है वो धीरे धीरे अब खोलना शुरू कर दिया है। तमाम तरह की वैकेंसी इसमें देखी जा सकती है। आज इस आम बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे ये लोक भवन में बैठक होनी है। उसके बाद जो सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे और बारी बारी से अपने विचार भी इन कई मुद्दों पर रखेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पर पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बुधवार की शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा।
पद्म विभूषण पुरस्कार लेने के लिए नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार की सुबह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पद्म विभूषण पुरस्कार लेने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को आज पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। देखिए नंदनी, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो है वो पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा इस सरकार ने की थी और जनवरी के आखिरी महीने में इस सम्मान की घोषणा की थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। आज बुधवार को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा, शाम 5 बजे यह कार्यक्रम होना है, जिसमें मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने इस देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका भी निभाई है। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सैनिकों के सम्मान में काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं। इसके पहले सैनिकों का जब शहादत की बात आती थी तो उनकी टोपी या उनकी वर्दी उनके घर आती थी, लेकिन सैनिकों का सुरक्षित जो है उनकी बॉडी को घर लाने की पहली प्रक्रिया जो है मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम योजनाओं का विकास किया, तमाम तरह की चीज़ें की और एक अच्छी गवर्नेंस जो है अपने कार्यकाल में उन्होंने रन करके उत्तर प्रदेश को दिखाया। हालांकि कुछ जगहों पर भी पक्षी उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन दिवंगत होने के बाद जो है निधन होने के बाद जो चुनाव मैनपुर में हुआ उसे डिंपल यादव ने ऐतिहासिक वोटों से जीता और यही वजह विवेक, जब पद्म विभूषण सम्मान की बात सामने आई थी तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके जो समर्थक हैं लगातार उन्हें भारत रत्न देने की बात कह रहे थे। जी बिल्कुल, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, तो सरकार ने उनको पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की थी। अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव खुद एक रत्न है, उत्तर प्रदेश के रत्न हैं, भारत रत्न के रत्न हैं, तो कोई पुरस्कार जो है अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा पुरस्कार है। पद्म विभूषण एक बड़ा पुरस्कार है देश का और देश के दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इस श्रेणी में आता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अपनी पत्नी डिंपल यादव सहित जो कुनबा है समाजवादी पार्टी का, जो इस परिवार का कुनबा है, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। चाहे भारत रत्न की बात हो या पद्म विभूषण की बात हो, नेताजी मुलायम सिंह यादव का सम्मान सर्वोपरि है, उनका सम्मान किया जा रहा है, मोदी सरकार उनका सम्मान कर रही है और वो इस सम्मान के हकदार भी हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।